सुनने में यह कुछ अटपटा सा लगता है कि नाले के अंदर दो टीमें क्रिकेट खेल रही है, लेकिन यह साकार हुआ है इंदौर में, जहां मूसाखेड़ी के पास स्थित चौधरी बाग के समीप विराटनगर के नाले में नाला क्रिकेट खेला गया। यहां जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि की क्रिकेट टीमें आमने सामने हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही अफसरों ने भी हाथ आजमाए। यह क्रिकेट हालांकि सांकेतिक हुआ, लेकिन क्षेत्र के लोगों को यह रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस क्रिकेट के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि कभी जहां गंदा बदबूदार नाला बहता था, वहां आज कितनी साफ सुथरा जगह बन गई है। यह संभव हुआ है नगर निगम के नदी नाला सफाई अभियान के तहत। नगर निगम ने इस नाले के सभी आउटफॉल को ड्रेनेज लाइन से जोड़ दिया है। अब पूरे क्षेत्र के ड्रेनेज आउटफॉल यहां से आजाद नगर तक डाली गई। ड्रेनेज लाइन से गुजरते हैं और पूरे क्षेत्र में कहीं कोई गंदगी दिखाई नहीं देती है। इस नाले पर पहले गंदगी पसरी पड़ी रहती थी और नगर निगम ने जनसहयोग से यहां सफाई कर नाले की टेपिंग की है। पहले यहां बदबू आती थी और गंदगी भरी पड़ी रहती थी, लेकिन अब स्वच्छता रहती है। स्वच्छता का संदेश देने के लिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच यहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। आज यहां पर नाला पैंथर्स वर्सेस नाला वॉरियर्स के नाम से क्रिकेट मैच हो रहा है। खास बात यह है कि क्रिकेट मैच जिस जगह पे हो रहा है, पिच जहां बनाई गई है, वह गंदा नाला रहा करता था। यहां पर ये घनी आबादी है, दोनों तरफ मिडिल क्लास शहरी गरीब बस्ती है दोनों तरफ, और इसको नगर निगम के द्वारा पूरा सीवेज टैपिंग करके वाटर प्लस के तहत और सभी को सीवर लाइन्स में डाला गया है। वहां से ट्रीटमेंट प्लांट को जा रहा है। इस जगह पे जो नाला पूरा साफ हो गया है, सूख गया है, इस जगह नगर निगम द्वारा पिच बनाई गई है और संभागायुक्त महोदय एक तरफ हमारे कैप्टन है, दूसरी तरफ विधायक जी सांसद जी हैं, दूसरी टीम है, और इसी प्रकार से नाला पैंथर वर्सेस नाला वॉरियर्स का एक मैच क्रिकेट मैच होने जा रहा है। देखिए वाटर प्लस कंसेप्ट केंद्र सरकार का है, स्वच्छ भारत मिशन का पैरामीटर है। इसमें शहर के सभी जो नालों में गंदा पानी जाता है, टॉयलेट का पानी, सीवेज का पानी जाता है, इसको टैप करके सीवेज लाइनों में डालना है और सीवेज लाइनों के माध्यम से ये ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा। नगर निगम इंदौर पहला शहर होगा मिलियन प्लस 10 लाख से ऊपर की आबादी में जहां पर ये काम सक्सेसफुली किया गया है। उसी कार्य के तहत आज ये नाला सूखा है और सूखने के बाद इसमें फिर पिच बना करके क्रिकेट मैच हो रहा है। ये जो कार्य हुआ है जनता के अवेयरनेस से हुआ है, जनता की जागरूकता से हुआ है, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हुआ है, उसी का एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है, ये खुशी मनाई जा रही है इसकी। इसमें करीब साल डेढ़ साल दो साल से हम लगे हुए थे। लगातार जो कॉलोनियों को जो पानी, जो ड्रेनेज का पानी जो छोड़ा जा रहा था नाले के अंदर, उनसे हम अनुरोध कर रहे थे, तो उनके सभी के कनेक्शन हमने आगे जुड़वाए। इसमें निगम की टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, वो लगातार रात दिन हमारे साथ में कांधे से कांधे मिलाकर काम कर रही थी, और इसमें एक बड़ी लाइन डालकर जो है इसका ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पहुँचाया गया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पहले सकड़े नाला हुआ करता था, इसमें बहुत गंदगी होती थी, दूषित पानी आता था, फैक्ट्रियों का पानी आता था। आज देखेंगे इसको पूरी तरह से सुखा दिया गया है और वार्ड क्रमांक ऐतिहासिक वार्ड क्रमांक 51 के अंदर जो है इसको शील्ड से जो है प्रथम जो आया है आदर्श नाले के रूप में, इसको जो प्रथम का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें एक तरफ तो पूरी प्रशासन की टीम क्रिकेट खेल रही थी, संभागायुक्त महोदय, आईजी महोदय, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय और सारे अधिकारी महोदय, इधर से हमारे माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय और बहुत सारे पार्षदगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में यह टीम जो है दो टीमों में बनाई गई थी। तो एक बहुत अद्भुत जो संदेश इंदौर के अंदर जाएगा चौधरी पार्क नाले को लेकर, स्वच्छता को लेकर, ये अपने आप में आपको देखने को मिलेगा कि इससे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे और पूरे प्रदेश ही नहीं देश के अंदर इसका नाम होगा। आपका नाम? कमल यादव, वार्ड क्रमांक 51। इंदौर से NK मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।